गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट इज साइंस एंड नाउ आई एम रीडिंग द चैप्टर नंबर सेकेंड रिमेनिंग पार्ट, मूवमेंट इन एनिमल्स, मतलब जानवरों में जो है विचलन वो किस प्रकार से होता है उसको पढ़ना है। एनिमल्स मूव इन सर्च फॉर फूड, प्रोटेक्ट देमसेल्फ, गेट स्लेटर एंड रिप्रोड्यूस डिफरेंट एनिमल्स यूजिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू मूव। मतलब जानवर जो होते हैं वह भोजन की खोज में या फिर अपने आप को बचाने के लिए जो है वो या तो आवास में रहते हैं और रिप्रोडक्शन मतलब अपना जो है पुनरुत्पादन करते हैं। विभिन्न प्रकार के जानवर जो हैं विभिन्न प्रकार के बॉडी पार्ट्स की सहायता से मूव करते हैं। नंबर फर्स्ट इज एक्वाटिक एनिमल, मतलब जलीय जानवर। एक्वाटिक एनिमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन विच हेल्प देम टू स्विम। टर्टल एंड टर्टल्स हैव पैडल लाइक लिम्ब्स विच पुश वाटर एंड हेल्प इन स्विमिंग। मतलब जो है जलीय जानवर जो होते हैं उनके विशेष प्रकार के अंग होते हैं जो उनको तैरने में मदद करते हैं। जैसे कछुआ है उसमें जो है कछुए में पैडल लिम्ब होते हैं, मतलब पंख होते हैं, जलपाद जिसे हम बोल सकते हैं, वह जो है पानी को आगे बढ़ाने में उसकी मदद करते हैं और जिससे वह तैरता है। फ्रॉग्स हैव वेब फीट टू स्विम। मेंढक जो है उसके अंदर भी जो है जलपाद होते हैं, वेब फीट मतलब जलपाद होते हैं जो स्विम कराते हैं, तैरने के लिए मदद करते हैं। फिश हैव फिन्स विच आर यूज्ड टू मूविंग फॉरवर्ड। मछली के अंदर जो है वो पंख लगे होते हैं जो उसे आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। द टेल फिन्स हेल्प इन चेंज इट्स द डायरेक्शन, मतलब जो पूंछ की जो है पंखड़ी होती है पंख होती है वो उसकी मदद करती है डायरेक्शन चेंज करने में। पेंगुइन यूज्ड देयर टू फॉर्मिंग एज फ्लिपर्स टू पुश वाटर एंड स्विम एंड ऑन लैंड दे यूज देयर फीट ऑन वॉकिंग। एक पेंगुइन जो है जानवर होता है जो जल पर भी जल में भी तैरता है और जमीन पर भी चल सकता है। वह अपने जो फ्लिपर्स होते हैं मतलब जो तैरने वाले पैर होते हैं उनसे पानी में जो है चलता है और स्विम करता है, और जबकि दूसरे जो पैर हैं उनके उससे जो है वो ज़मीन पर चलता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, मतलब स्थल जानवर। एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, एलिफेंट एंड मैनी अदर हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्ब। जानवर जैसे कि शेर, चीता और हाथी जो है इनके दो दो पैर होते हैं पैरों के। मोस्ट एनिमल्स यूज ऑल द फोर लिम्ब्स टू वॉक, रन एंड फॉर द मूवमेंट। सभी जानवर जो हैं इन चार पैरों की मदद से चलते हैं, दौड़ते हैं और अन्य काम करते हैं। नेक्स्ट इज बर्ड्स। बर्ड्स हैविंग विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। जो पक्षी होते हैं उनके पंख होते हैं उनकी मदद से वे उड़ते हैं। द विंग्स आर अटैच्ड टू द लार्ज बीस्ट मसल्स। जो पंख हैं वो उसके सबसे बड़ी जो मसल्स होती है उसमें जुड़े होते हैं। अ बर्ड हैज लाइट हॉलो बोन्स। पक्षी जो होते हैं उनके बहुत हल्की और पतली जो है वो हड्डियाँ होती हैं। बर्ड्स यूज देयर हिंड लेंग्स फॉर वॉकिंग। बर्ड्स जो होते हैं वो अपने जो है पैरों के जो लेग हैं उनको जो है चलने के लिए यूज़ करते हैं, होपिंग एंड पर्चिंग। बर्ड्स लाइक इमू और ऑस्ट्रिच एंड कीवी हैविंग विंग्स बट दे कैन नॉट फ्लाई ड्यू टू देयर लार्ज साइज आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स। जो ये इमू है या फिर शुतुरमुर्ग कह सकते हैं या फिर ये चिड़िया है, कीवी चिड़िया होती है, ये पैर जो होते हैं ये पक्षी जो होते हैं इनके पंख तो होते हैं लेकिन ये अपने भारी शरीर की वजह से उड़ नहीं पाते हैं, इसलिए इन्हें फ्लाइटलेस बर्ड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स, मतलब कीड़े मकोड़े। इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स विच दे यूज टू मूव। इनके जो है छः पैर होते हैं जिनको वो चलने फिरने के लिए यूज़ करते हैं। बटरफ्लाई, बीज एंड हाउस फ्लाइज हैव विंग्स विच हेल्प देम इन फ्लाइंग। देयर विंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम द विंग्स ऑफ द बर्ड्स। दे हैव नॉट फीजर्स वाइट नी स्केल्स। जैसे कि हम देख सकते हैं चित्र में तितली है, मक्खी है, मधुमक्खी है या फिर मक्खी है, इनके जो है अलग अलग पैर होते हैं जो अपने पैरों की मदद से जो है उड़ते हैं, लेकिन इनके जो पैर हैं पंख होते हैं वो पक्षियों के पंख से अलग होते हैं। नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड, स्नैक एंड क्रोकोडाइल्स हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज एंड दे मूव बाई क्रूविंग ऑन द ग्राउंड। जैसे कि हम देख सकते हैं छिपकली है, सांप है या मगरमच्छ हैं, इनके जो है शरीर पर छोटे छोटे से स्केल्स होते हैं जिनकी मदद से जो है ये ज़मीन पर रेंग सकते हैं। टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स हैव लेग्स एंड मूव अबाउट यूजिंग देम। जो कछुआ है और मगरमच्छ है उनके पैर भी होते हैं जिनसे वे अपने आप को मूव करते हैं। स्नैक यूजिंग स्केल्स प्रेजेंट ऑन देयर अंडर साइड्स
ऑफ इट्स बॉडी टू मूव। सांप जो है उसके अंडर साइड मतलब अंदर जो होते हैं कुछ स्केल्स होते हैं, वो उनसे जो है मदद के करके चलता है। नेक्स्ट हेडिंग इज़ बॉडी कवरिंग। जो बॉडी जो शरीर है जानवरों का उसको कवर करने के लिए क्या क्या पार्ट्स होते हैं, लेट्स डिस्कस। एन एनिमल्स बॉडी कवरिंग हेल्प इट टू लिव इन ए पार्टिकुलर हैवी वेट्स। जो शरीर है जानवरों का उसकी जो कवरिंग होती है वो उसको मदद करती है निश्चित रूप से निवास स्थान पर रहने के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स। विभिन्न प्रकार के जो जानवर होते हैं उनके विभिन्न प्रकार के बॉडी कवरिंग होते हैं। नंबर फर्स्ट इज़ फर। फर मीन्स रोएदार। बियर एंड शीप हैव फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट्स। मतलब भालू और भेड़ जो होते हैं उनके फर होते हैं जो उन्हें ठंडी जलवायु से रक्षा करते हैं। फीचर्स, फीचर्स मीन्स पंख। द बॉडीज ऑफ बर्ड्स आर कवर्ड विद फीचर्स। पक्षियों के जो हैं शरीर जो होते हैं वह पंख से ढके होते हैं। फीचर्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई एंड टू कीप वार्म। पंख जो होते हैं वह पक्षियों की उड़ने में और शरीर को गर्म रखने में उनकी मदद करते हैं। नेक्स्ट इज सेल। सेल मीन्स खोल। स्नैक्स एंड टर्टल्स हैव सेल्स टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज। घोंगा और कछुआ जो है उनके ऊपर जो है वो सेल होता है, खोल होता है, जिससे कि वो अपनी मुलायम बॉडी को जो है वो सुरक्षित कर सकें। व्हेन दीज एनिमल्स सेंस डेंजर दे विड्रॉ देयर हेड एंड फीट इनटू इट्स सेल। ये जानवर जब इनको महसूस होता है कि कोई ख़तरा है तो ये अपने जो है शरीर को जो है वो अपने सिर और पैरों को जो है इस खोल के अंदर जो है सेल के अंदर छुपा लेते हैं। नेक्स्ट इज स्केल्स। इट्स मीन्स तराजू। बॉडीज ऑफ स्नैक्स कोकोडाइल्स एंड लिजार्ड आर कवर्ड विद देयर स्नैक्स। सांप है और मगरमच्छ है और छिपकली है जो इनके जो हैं वो शरीर जो होते हैं वह एक खोल में जो है वो बंद होते हैं। दीज हेल्प्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस ऑफ देयर बॉडी। ये जो है अपने शरीर से पानी को कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। फिश आर कवर्ड विद ओवरलैपिंग स्केल्स दैट आर वाटरप्रूफ। मछली जो है उसके भी जो है वो ओवरलैप स्केलिंग होती है जो वाटरप्रूफ होती है। नेक्स्ट इज स्पिंक्स। स्पिंक्स मीन्स पीट। द बॉडी ऑफ कर्टसिंग इज कवर्ड विद शार्प स्पिंक्स दैट हेल्प्स देम प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज। कुछ जानवरों की जो है शरीर जो होता है वह कवर्ड होता है जिससे कि वह अपने जानवरों से अपनी मदद रक्षा कर सकें। नेक्स्ट इज कॉमोफ्लैक। कॉमोफ्लैक्स मीन्स छुपना। सम एनिमल्स जस्ट ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग। कुछ जो हैं वो जानवर जो हैं अपने वातावरण से मेल खाते रहते हैं। दिस ट्रिक इज कॉल्ड कॉमोफ्लैकिंग। ये जो है छुपने की कला कहलाती है। एनिमल्स यूज द कलर एंड मेकिंग ऑन देयर स्किन्स टू कॉमोफ्लैक एंड डिसीव देयर एनिमीज। जानवर जो होते हैं वह अपने रंग से या फिर अपने जो है त्वचा पर जो बने हुए कुछ दाग धब्बे होते हैं उनसे जो है छुपने का काम आसान कर लेते हैं। द स्ट्रिप ऑन ए बॉडी ऑफ ए टाइगर हेल्प इट्स टू हिड इन टाल ग्रास। जो बाघ के शरीर पर जो पट्टियां बनी हुई होती हैं उसकी मदद से वह बड़े बड़े घास में छुपने का मदद करती हैं। ए क्लेमन कैन चेंज इट्स कलर टू मैच द सराउंडिंग। जो गिरगिट होता है वह अपने वातावरण के अनुसार अपना रंग बदलता है। माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स प्रवास। माइग्रेशन इज द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन रिस्पॉन्डिंग इन क्लाइमेट चेंज। जब वातावरण बदलता है तो उसमें जो है माइग्रेशन का काम जो है कुछ जानवर करते हैं। एवरी ईयर सम एनिमल्स एंड बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड और टू अवॉइड हार्श वेदर कंडीशन और फॉर ब्रीथिंग प्रोसेस। प्रत्येक साल कुछ जानवर या पक्षी जो होते हैं वह प्रवास करते हैं अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या तो भोजन के लिए या फिर ख़राब मौसम की कंडीशन को उससे बढ़ने के लिए, या फिर अपना जो है ब्रीथिंग प्रोसेस पर्पस यानी अपने जो श्वसन की प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। यह जो है प्रक्रिया जो है वो प्रवास कहलाती है। द आर्कटिक टर्न ट्रेवल बिटवीन द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक ट्विस्ट इन ए ईयर। जो उत्तरी कुर्री है, कुर्री एक पक्षी का नाम है, वह आर्कटिक और अंटार्कटिक जो हैं
द्वीप समूह हैं उनमें वर्ष में दो बार अपना प्रवास करती है। इट इज़ द लार्जेस्ट डिस्टेंट कवर बाई एनी मार्क रेटी बर्ड। यह जो है सबसे बड़ी दूरी है जो किसी प्रवासी पक्षी के द्वारा तय की जाती है। साइबेरियन किनर्स कम टू इंडिया एवरी ईयर टू ब्रीथ। जो साइबेरियन सारस है वह अपना पालन पोषण के लिए प्रत्येक साल भारत आती है। लोकट्स मार्गिन इन स्विम्स दीज इंसेक्ट स्टेल्स ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड डिस्ट्रॉयड देम। जो टिड्डा होता है वह भी जो है वो झुंड में अपना प्रवास करते हैं और ये जो हैं फसलों पर बैठते हैं और उनको नष्ट करते हैं। सो स्टूडेंट दिस चैप्टर इज़ फिनिश। आई होप यू विल रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।